नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज द बिग बुल का रिव्यू, द बिग बुल अभिषेक बच्चन की फिल्म है और इसका निर्देशन कुकी गुलाटी ने किया है। यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 8 तारीख की शाम से स्ट्रीम हो रही है। मैं बात आगे शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज बाय मी ए कॉफी, लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफी खरीदें और मुझे प्रोत्साहित करें। तो मैं बता रहा था द बिग बुल। द बिग बुल नाम से ही जाहिर है कि हिंदी सिनेमा में और हिंदी समाज में और पूरे देश में द बिग बुल किसको कहा जाता रहा है ये हम सभी जानते हैं। शायद आपने भी हर्षद मेहता का नाम सुना होगा। हर्षद मेहता जिन्होंने अर्ली 90s में PSE और स्टॉक में काफी सारी तब्दीलियां की और उथल पुथल मचा के रख दी, इसलिए कि उनको इस सिस्टम में आने के बाद इसके लूप होल्स की जानकारी मिली और उन्होंने इसके लूप होल्स का पूरा फायदा उठाया और उस फायदे के तहत वे खुद तो अमीर हुए ही और उन्होंने देश के तमाम उन शेयर धारकों का भला किया जो उनके बताए स्टॉक में अपना शेयर लगाते थे और खरीदते थे। यह उसी हर्षद मेहता की काल्पनिक कहानी है और इस फिल्म में उनका नाम हेमंत शाह कर दिया गया है और उनके भाई वीरेन शाह हैं। हेमंत शाह और वीरेन शाह दो भाइयों के जो गुजराती परिवार के एक कह लें कि निम्न मध्यवर्गीय परिवार के सदस्य हैं जो छोटे मोटे धंधे करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं और किसी तरीके से उनका जीवन चल रहा है चौल के अंदर। वहां से वे बड़े सपने देखना शुरू करते हैं और अभिषेक बच्चन इस फिल्म में जो हेमंत शाह की भूमिका निभा रहे हैं वो एक शुरुआत में ही कहते हैं कि जब कोई ऊंचाई की तरफ देख रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए और यह ऊंचाई ही हेमंत शाह को एक ऐसी उलझन में ले जाती है, एक ऐसे भंवर जाल में ले जाती है जहां जाकर वह खुद को ही नहीं बचा पाते हैं। उनका छोटा भाई वीरेन और परिवार के दूसरे सदस्य भी बार बार कहते हैं कि इतना तेज मत चलो, इतना तेज मत चलो, लेकिन हेमंत शाह के सपने की उड़ान आसमान के भी परे जाने को तैयार हैं और वह अपने आसमान की ऊंचाइयां बढ़ाते जा रहे हैं और उसी हिसाब से ये फिल्म चलती चली जाती है। भारत में उदारीकरण के बाद से एक नई पद्धति, एक नया बाजार, एक नया उपभोक्ता बाजार खुला और वहाँ शेयर मार्केट में भयंकर खलबली मची और सब कुछ तेजी से बदला। उसी दौर में हेमंत शाह यानी कि हर्षद मेहता इस स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करते हैं। हम फिल्म में देखते हैं कि शुरू में उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में जाने तक की अनुमति वॉचमैन नहीं देता है और बाद में वही उनको सलाम करता है क्योंकि वह चंद सालों के अंदर इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं ब्रोकरेज के माध्यम से जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और इस सिस्टम में वो हुक्म का इक्का तक को अपनी जेब में रखने का दावा करते हैं लेकिन जब वे फंसते हैं तो हुक्म का इक्का कैसे पलट जाता है इसको भी हम इस फिल्म में देख सकते हैं। वास्तव में यह फिल्म उस समय की पत्रकार सुचेता दलाल, जिनका इस फिल्म में नाम मीरा रखा गया है, उनके जरिए यह कहानी कही जाती है। वह एक बायोग्राफी लिखती हैं हेमंत शाह की और उसी किताब को इंट्रोड्यूस करते हुए उनके बारे में बताना चाहती हैं। कहना मुश्किल है सुचेता के लिए वह हीरो है, आदर्श है या जस्ट अपनी किताब का एक ऐसा चर्चित विवादास्पद किरदार है, लेकिन कहीं न कहीं फिल्म के अंदर यह बात आती है जब वो कहती है कि शुरू में मैं भी उन 64% में थी जब तुम तेजी से तरक्की कर रहे थे और तमाम शेयर होल्डर का फायदा हो रहा था।
बाद में उसे लूप होल का पता चलता है, बाद में सुचेता दलाल और फिल्म के अंदर मीरा को उसके जानकारी मिलती है कारस्थानियों की, कैसे वो बैंक के नियमों का, बैंक के बीआर का फायदा उठाता है, बैंक रिसिप्ट का फायदा उठाता है और उस पैसे को दुगुना तिगुना चौगुना करता है। यह फिल्म भारतीय शेयर बाजार के एक ऐसी हस्ती की कहानी कहती है जिसको हम सभी द बिग बुल के नाम से जानते हैं। सिर्फ 47 साल की उम्र में हर्षद मेहता का निधन हो गया था, आकस्मिक निधन ही हुआ था, ऐसा संदेह करते हैं कि उनको मारा ही गया था, क्योंकि उस समय उन्होंने फिल्म के अंदर यह एक्सपोज किया है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को रिश्वत दी थी जिसमें करोड़ों रुपए का एक बैग था। यह घटना 1990-91-92 के आसपास की है। उस समय के जो लोग अभी हों और जो 40-50 की उम्र से ज़्यादा के दर्शक हैं वे इन सारी घटनाओं को जानते हैं। इनके अलावा द बिग बुल के साथ पृष्ठभूमि के तौर पर एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि अभी हाल ही में स्कैम करके एक टीवी वेब सीरीज आया था जिसको तमाम लोगों ने देखा और कहते हैं ऐसा कि हंसल मेहता ने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से शूट किया था और हर्षद मेहता के जीवन के तमाम पहलुओं को बहुत ही बारीकी के साथ चित्रित किया था और बहुत ईमानदारी के साथ, वस्तुनिष्ठता के साथ और विश्वसनीयता के साथ इसकी स्क्रिप्ट सुमित पुरोहित ने लिखी थी। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यह फिल्म स्कैम से कमतर है, लेकिन मेरा मानना है कि फिल्म सिर्फ 2 घंटे 34 मिनट की है और स्कैम एक सीरीज थी जिसमें कई सारे एपिसोड्स थे, वहाँ विस्तार था हंसल मेहता के पास अपनी कहानी कहने का, कैरेक्टर्स को लाने का और कैरेक्टर्स के बारे में बातें करने का, यहाँ वैसा मौका नहीं है। इसलिए वेब सीरीज से फिल्म की तुलना करना शायद उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें फिल्म के बारे में बात करनी चाहिए और यह फिल्म एक औसत फिल्म बनकर रह जाती है कई सारे कारणों से, स्क्रिप्ट की वजह से, स्क्रिप्ट में पटकथा के ढीलेपन की वजह से, या सहयोगी किरदारों में बिल्कुल नामालूम कलाकारों को लेकर के, और नामालूम लिए जाए अच्छी बात होती है वैसे, क्योंकि उनसे एक विश्वसनीयता बढ़ती है, लेकिन यहाँ वे योग्य कलाकार भी नहीं दिखते हैं, थोड़े कमजोर दिखते हैं, उनको जो भूमिकाएं दी गई हैं उसको वे अच्छी तरीके से नहीं निभा पाते हैं। फिल्म की यह सबसे बड़ी कमजोरी है और फिल्म का संगीत जिस तरीके से कहानी के निर्णायक घटनाओं के समय सहयोग देता है ऐसी फिल्मों में वह नहीं कर पाता है, तो संगीत पक्ष भी थोड़ा कमजोर है। इस फिल्म के कलाकारों में जो मुख्य कलाकार हैं, खास करके अभिषेक बच्चन और सोहम शाह, इन ये दोनों भाई बने हैं जो हेमंत शाह और वीरेन शाह की भूमिका निभा रहे हैं। अभिषेक बच्चन को देखते हुए कई बार गुरुकांत देसाई की याद आती है, गुरु फिल्म में जो उन्होंने भूमिका निभाई थी वहाँ भी वो गुजराती किरदार था, यहाँ भी गुजराती किरदार है जिसके एक तोंदिल शरीर है और जो थोड़ा सा अजीब ढंग से अकड़ के चलता है, वहाँ भी ऐसी बात थी और यहाँ भी कुछ कुछ वैसी ही बात है। लहजा भी लगभग वही टोन रखा गया है, एक गुजराती व्यक्ति जब हिंदी बोलता है तो जिस तरीके का लहजा उभर कर आता है उसको मेंटेन किया है अभिषेक बच्चन ने। अभिषेक बच्चन को देखते हुए यह नहीं लगता है कि उनको कहीं से मिसफिट हैं वो, और मुझे तो अच्छे लगे। और ये है कि चूंकि किरदार को ही इस तरीके से निर्वाह नहीं किया गया है या उसको उस तरीके से प्रस्फुटित नहीं होने दिया गया है, इसलिए वो सारा संकुचन अभिषेक बच्चन के पास भी दिखता है। लेकिन मैं सोहम शाह की तारीफ करूंगा, सोहम शाह ने इस फिल्म में बहुत ही शानदार सहयोगी भूमिका निभाई है। शुरू में तो उनको देखते हुए एक बार की पहचान नहीं बनती है, लेकिन फिर उनकी आवाज़ सुन के लगता है कि हाँ ये सोहम शाह हैं। उनका मेकअप, उनका लुक और ये सारी चीज़ों को उन्होंने जिस तरीके से लगातार बनाए रखा है और अपने किरदार के पिच को बनाए रखा है, और किरदार चूँकि उनका किरदार बहुपरतीय है, एक तरीके से एक रेखीय किरदार है हेमंत शाह का, जिसको अमीर होना है, जिसको सबसे बड़ा होना है, जिसको पहला बिलियनर होना है देश का, और दूसरी तरफ उसका भाई है
जो शुरू में बहुत ही दब्बू किस्म का दिखता है, लेकिन बाद में कैसे कैसे अपने बड़े भाई का वो सहयोगी बनता है और सारे छल प्रपंच में शामिल होने के बावजूद इस बात के लिए सचेत रहता है कि कहीं हम मुश्किलों में न फंस जाएं। और ऐसा ही होता है तब उसे याद आता है वो अपने पुराने दिन जब वे खुश परिवार की तरह कम आमदनी में ही रहा करते थे। यह फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। और इस फिल्म के किरदारों में जैसा कि मैंने नाम लिया, अभिषेक बच्चन और सोहम शाह प्रमुख किरदार हैं और इन दोनों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। सुचेता दलाल मीरा की भूमिका में इलियाना डी क्रूज हैं। उनका किरदार इस फिल्म के अंदर बहुत कुछ कर नहीं पाता इसलिए कि उसे ज़्यादा मौका नहीं है, ज़्यादातर उनके सिर्फ वॉकिंग और सीटिंग यही दो एक्सप्रेशन हैं और उसी में उनकी पूरी भूमिका निकल जाती है। पत्नी की भूमिका में नई कलाकार हैं निकिता दत्ता, और निकिता दत्ता के पास भी शायद बहुत कुछ नहीं था करने के लिए, इसीलिए वह उस तरीके से उभर के एक सहयोगी कलाकार के तौर पर नहीं आ पाती हैं और उनकी भूमिका भी बहुत लिमिटेड है। इसके अलावा इस फिल्म में सौरभ शुक्ला हैं, शशि शर्मा हैं, सुप्रिया पाठक हैं और भी कई सारे कलाकार हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सहयोगी भूमिकाओं में थोड़े से असमर्थ कलाकारों को लेने की वजह से यह फिल्म अपने प्रभाव की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं इस फिल्म को सिर्फ 3 स्टार देना चाहूँगा और चलते चलते मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि बाय मी ए कॉफ़ी एंड मेरा समर्थन करें, मेरे साथ आएँ और मिशन 5000 में भी शामिल हो। जल्दी से जल्दी हमें 5000 की सदस्यता पूरी करनी है, इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, आपके मित्रों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उन तक पहुंचाएं इसको। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।